उनको डरी कार्रवाई से है भाई। 10,000-12,000 अर्जियां हैं, 10,000-12,000 मुकदमे होंगे, CDCBI में जांच जाएगी, ED पे जांच जाएगी। ठगी का प्लान तय किया था, उन ठगों को जब तक शिकंजे में नहीं लेगा प्रशासन, तब तक कैसे पैसे मिलेगा गरीबों का? घूमते रहे चक्कर काटते, वो तो पंचायत जुड़ी है नीमला में, पंचायत मना कर दी उन लोगों ने, तो उस पैसा ना मिले तो एक मतलब उसका जिम्मेदारी बताओ ला है। हम तो कानून कार्रवाई के लिए अपना समय भी देंगे, इनके लिए पूरी ताकत भी बढ़ेंगे, और चाहे हमारा अंतिम सांस भी ना रहे, हम चाहे इस काम के जुम्मे हो जाएं, हम भूख हड़ताल पर बैठने के लिए तैयार हैं। और आप देख रहे हैं इस वक्त पल पल मीडिया। आज मेरे साथ मौजूद है समाज सेवी अताउल्ला खान। हम इनसे चंद बातें पूछेंगे नीमला से जुड़ी, क्योंकि लोगों जितने भी भाइयों ने वहाँ अर्जी लगाई हुई है, गरीब और बेसहारे लोग हैं, उनकी अब निगाहें बंधी हुई हैं अताउल्ला खान के ऊपर। वो एक अगर किसी को समझने को हमारा साथ दे सकता है वो सिर्फ अताउल्ला खान है, और वो अब ये सोच रहे हैं कि कब अताउल्ला खान हमारे लिए खड़े हों और हम अपनी न्याय की लड़ाई लड़ सकें। तो हम इसी चीज़ को लेकर अताउल्ला खान से हम बात करेंगे कि जितने भी गरीब बेसहारे लोग हैं जिन्होंने नीमला गाँव में अपनी अर्जी लगाई हुई है, उनसे आप कितना उनके साथ देंगे और क्या आगे की उनकी रणनीति चल रही है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है, मैं गरीब और बेसहारा मजलूम, मैं सभी के साथ हूँ और मैं खड़ा रहूँगा, और जब तक खड़ा रहूँगा जब तक गरीबों के लिए न्याय नहीं मिल जाएगा। इंशाअल्लाह थोड़ा रमज़ान का महीना है, रमज़ान भी रखने पड़ते हैं, और रमज़ान अब थोड़ा इतना भी हम नहीं कर सकते कि भाई लगातार हम कहीं धरना प्रदर्शन करें, क्योंकि तेज़ी से धूप भी पड़ना है, रोज़ा भी रखना होता है। जैसा कि उनके एक माँ का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो साफ तौर पर ये कह रही है कि अगर हमारे खिलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो हम उस कानूनी कार्रवाई को लड़ेंगे, हम पैसा वापस नहीं करेंगे। चलो कोई बात नहीं, नहीं करेंगे तो कानून उनके घर में बन रहा है, वो कानून से बड़े हैं, और जो वो कहेंगे वही हो जाएगा। अगर उनकी मन मर्जी चल रही है तो फिर देश दुनिया तो बेकार में चल रही है, तो कानून नाम की कोई चीज़ ही ना है फिर दुनिया में। वो कौन होते हैं इस चीज़ को कहने वाले कि हम रिपोर्ट ना करेंगे, ये ना करेंगे, वो ना करेंगे? इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये जो गरीब लोग हैं इनको बरगराने के लिए वो लोग इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ ताकि कार्रवाई ना हो जाए। उनको डरी कार्रवाई से है भाई, 10,000-12,000 अर्जियां हैं, 10,000-12,000 मुकदमे होंगे, CDCBI में जांच जाएगी, ED पे जांच जाएगी, और DG से लेके IG से लेके SP से लेकर सारे अधिकारियों को हम अवगत कराएंगे, तो क्या इसमें कार्रवाई नहीं हो पाएगी? तो कोई इलाज नहीं होगा ढंग से। जिन लोगों ने ठगी की प्रक्रिया रूपरेखा तैयार की थी, ठगी का प्लान तय किया था, उन ठगों को जब तक शिकंजे में नहीं लेगा प्रशासन, तब तक कैसे पैसे मिलेगा गरीबों का? घूमते रहे चक्कर काटते, वो तो पंचायत जुड़ी है नीमला में, पंचायत मना कर दी उन लोगों ने, तो प्रशासन से मुकदमा कराने के अलावा और कानून कार्रवाई करवाने के अलावा बचा भी क्या है अपने पास भाई? और क्या बचा है अपने पास बताओ? अब कल को कोई बात हो जाए, आप लोग एक मिनट में सवाल कर रहे हो कि साहब वो कानून कार्रवाई उस पैसा ना मिले तो एक मतलब उसका जिम्मेदारी बताओ ला है। हम तो कानून कार्रवाई के लिए अपना समय भी देंगे, इनके लिए पूरी ताकत भी बढ़ेंगे, और चाहे हमारा अंतिम सांस भी ना रहे, हम चाहे इस काम के जुम्मे हो जाएं, हम भूख हड़ताल पर बैठने के लिए तैयार हैं। हम कौन सी बात से पीछे हट रहे हैं? अच्छा, मुकदमा जो होगा वो सैकुल के खिलाफ होगा, सबके खिलाफ होगा? सैकुल खिलाफ ना होएगा, जितने एजेंट हैं, जितने एजेंटों ने दलालों ने प्री प्लानिंग बनाई थी, और जितने अर्जी लगाने वालों ने एजेंटों के हाथ में पैसे दिए थे, हर आदमी के खिलाफ मुकदमा होगा, एक भी नहीं बख्शा जाएगा। अच्छा, जो लोग उम्मीद लगाए हुए हैं आपसे, आप उन लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं उनसे ये अपील करूँगा कि पैसा तुम लोगों ने अपने हाथ से दिया है, मिलना ना मिलना अल्लाह पाक के हाथ में, अल्लाह से दुआ करो, और आप लोग हमारे कंधे से कंधे मिला के चलो, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे आधी हो, चाहे तिहाई हो, चाहे कहीं भी किसी भी समय कोई बात आए, हम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, इंशाल्लाह ताला गरीबों के साथ हैं। और मजलूमों के लिए कहीं भी अपने आप को संकट में डाल सकता हूँ, लेकिन इनका बुरा नहीं होने दूंगा। ये मेरा जो अंदर आत्मा जो मेरी है वो ये कह रही है, गरीबों की आवाज़ बनो, गरीबों के लिए बात करो और गरीबों की मदद करो, और ये बाबरकत महीना है रमज़ान का, इसमें जितनी इनकी मदद हो सके, मैं सभी भाइयों से कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद करें, कि बहुत ही घिनौना कृत्य इन लोगों ने किया है,
और चाहे महू चोपड़ा वाला हो, चाहे ये हो, और महू चोपड़ा वाले के जो एजेंट जितने भी हैं, उन एजेंटों ने जो, बस अब मैं क्या कह सकता हूँ, जो काम किया है अपनी गारंटी पे किया है, वीडियो डाल डाल के लोगों ने काम किए हैं, ये बिल्कुल गलत काम है। आज वो एजेंट आए सामने, वो पैसा लौटाएं वापस, उनके लिए उनकी इंसानियत बची हुई है थोड़ी बहुत उनके अंदर। जैसा कि आपने खुद अताउल्ला खान के ज़बान ये सुन लिया होगा कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि अताउल्ला खान बैठे हुए हैं, कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो दोस्तों अब ये साफ़ बात हो गई कि अताउल्ला खान पीछे हटने वाले नहीं है। जैसे गरीब लोग अगर उनके साथ देंगे तो अताउल्ला खान तन मन धन से आपका साथ देंगे, और आपका जैसा आपने पैसा उनके लिए जमा किया था उसी तरीके से आपका पैसा दिलाने के वो लोग काम करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए आप बने रहें सिर्फ और सिर्फ पल पल मीडिया के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ऐसे ही नई ताज़ा अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।